चढ़ने के लिए भीड़ कितना लगाया है। देखिए बहुत सारे यात्री है यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं। और इस ट्रेन का भाई गजब का स्पीड है का बाबा, बहुत हाली चल देखना। तो देखिए कितना भीड़ है इस ट्रेन में। और ये है लोकल ट्रेन। और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा स्टेशन था और बहुत सारे यात्री यहाँ पर भी उतरे हुए हैं। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। फिलहाल अभी हम है रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन और आज यात्रा करने वाले हम इस ट्रेन में देख सकते हैं लगे हुए हैं। तो ये ट्रेन है 032-78 रघुनाथपुर पटना मेमू एक्सप्रेस। तो ये 4:15 पर खुलेगी। तो चलिए जब चलती है तो आपको दिखाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आई है और बहुत ही भीड़ हो चुका है क्योंकि आज ब्रह्मपुर में मेला लगा था, इसीलिए बहुत सारे लोग इधर आए हुए थे और इसी जा रहे हैं। चढ़ने के लिए भीड़ कितना लगाया है। देखिए बहुत सारे यात्री है यहाँ पर क्योंकि आज मेला लग रहा था, वही मेला देखने के लिए सब कोई आया था। और देखिए भीड़ बहुत भीड़ है भाई। और इस साइड भी देखिए लोग जाम लगा के रखे हैं बहुत सारा। तो ट्रेन हमारी लग चुकी है। उधर भी देखिए भी और इस साइड भी। तो ये है हमारी ट्रेन और इसमें हम लोग यात्रा कर रहे हैं। और ये रघुनाथपुर में अभी खड़ी है और हम लोग जाएंगे आरा तक। चलिए खुलते हैं दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये है रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन और ये बक्सर जिले में आता है रघुनाथपुर। और हमारी ट्रेन इधर लगी हुई है। तो चलिए ट्रेन के बारे में थोड़ी देर बता दे रहा हूँ। तो ट्रेन नंबर 032-78 रघुनाथपुर पटना मेमू स्पेशल ट्रेन है और ये 85 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और यहाँ पर रघुनाथपुर में 16:15 में है और पटना पहुँच जाएंगी 7:45 में। तो फिलहाल हमारी ट्रेन खुल चुकी है रघुनाथपुर से और देखिए डिपार्चर। तो देखिए कितना भीड़ है इस ट्रेन में। और ये है लोकल ट्रेन। और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा स्टेशन था और बहुत सारे यात्री यहाँ पर भी उतरे हुए हैं। तो चलिए हमारी ट्रेन खुल चुकी है यहाँ पर से भी। चलिए चलते हैं आगे। फिलहाल आ चुके हैं हम इस ट्रेन का चौथा स्टॉपेज और ये है भिया रेलवे स्टेशन। और इधर भी बहुत सारे लोग बोर्ड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी। तो जैसे खुलती है आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन खुल चुकी है। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे यात्री बोर्ड भी किए हैं और अनबोर्ड भी किए हैं। अरे फिर रुक गया, फिर रुक करके ट्रेन खुल गई। और देखिए इधर बहुत सारे लोग उतरे हुए हैं इधर। मेंटेनेंस करने वाली ये ट्रैक लगाने वाली है मशीन यहाँ रेलवे स्टेशन पर। और ये इंजन चल रहा पिया का सूर्य मंदिर। यहाँ पर भी छोटा सा मेला लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे झूल रहे हैं।
रामानंद तिवारी हॉल्ट, यहाँ पर बिल्कुल भी मोमेंट लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रामानंद तिवारी हॉल्ट, और ये ट्रेन हर वो स्टेशन पर चलती है क्योंकि ये भाई लोकल ट्रेन है और सारे यात्री जो बैठे हैं लोकल ही है क्योंकि हर स्टेशन पर रुकती है और चलती है। तो चलिए हम लोग तो जाना है आरा। कौड़िया हॉल्ट और इधर भी पैसेंजर उतर के जा रहे हैं। हॉल्ट देख सकते हैं कितना नीचे है, लोगों को उतरने में बहुत ही परेशानी भी होती होगी। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं कारीसात रेलवे स्टेशन, और देखिए भीड़, हम लोग भी नीचे ही बैठे हुए हैं और ऊपर में भी आदमी है बहुत सारे। हम लोग आ चुके हैं महत्वनीय हॉल्ट, यहाँ पर देखिए, और उधर देखिए नज़दीक कितना है गांव, भैंस खा रही है, इधर लड़के खेल रहे हैं, और हम लोग नीचे बैठे हुए हैं। और इस ट्रेन का भाई गजब का स्पीड है, का बाबा बहुत हाली है, चल देखना स्पीड पकड़ दिया। तो अभी जगजीवन हॉल्ट ये वाला है, और इसके बाद अब थोड़ी देर में आएगा आ रहा, तो हम लोग वहीं पर उतर जाएंगे। और इधर देखिए भी से एक आरा बहुआ सेक्शन लाइन जाती है, और हम लोग आ रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाला सेक्शन, और इधर दानापुर में हम लोग चल गए। यहाँ से दानापुर मंडल स्टार्ट होता है, ये वहाँ पर भी लिखा हुआ भी, और हम लोग आ चुके हैं अब आरा। पूर्वा लगी हुई है हावड़ा नई दिल्ली, हावड़ा से आ रही है नई दिल्ली जा रही है ये ट्रेन। और देखिए इधर भी पैसेंजर बोर्ड करेंगे बहुत सारे हैं। बगल में पूर्वा एक्सप्रेस लगी हुई है। फिलहाल भाई हम लोग उल्टा साइड उतर चुके हैं, और ये है आरा का रेलवे स्टेशन, और हम लोग आ चुके हैं आरा। चले चलते हैं प्लेटफॉर्म पे हम। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं आरा रेलवे स्टेशन, और वीडियो देखने के लिए आप लोग आप, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए।